नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका सबका स्वागत है। चलो आज के वीडियो में अपन देखने वाले इंसर्ट ऑप्शन में पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर और शेप, ये तीन टॉपिक अपन आज कवर करने वाले। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। चलो दोस्तों चालू करेंगे आज का टॉपिक। देखो अभी इंसर्ट में एक पिक्चर ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, तो समझो अपने को जो कंटेंट्स है या अपने जो पेज है उसके अंदर कुछ पिक्चर्स अपने को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए अपने पास पिक्चर ऑप्शन है। और ऑनलाइन पिक्चर, जो ऑनलाइन पिक्चर मतलब आप इंटरनेट से पिक्चर्स ले सकते हैं, और पिक्चर ऑप्शन जो है वो अपने कंप्यूटर्स में स्टोर किए हुए, अगर मोबाइल से अपना जो पिक्चर्स निकाला है या फोटोज़ निकाला है या कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ जो पिक्चर्स है वो इंसर्ट करने के लिए अपने पास पिक्चर ऑप्शन है। तो मैं इंसर्ट में पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरा ई ड्राइव में फ़ोटो करके फोल्डर है, वहाँ पे मैंने फ़ोटो सेव करके रखा है, उसको मैं सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी आपका फ़ोटो जहाँ पे भी है सेव, वहाँ से उसको इंसर्ट करना है। अभी फ़ोटो के चारों कॉर्नर से उसका साइज़ अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके का साइज़ अपने को एडजस्ट करना है वो साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। देखो अभी मैंने पिक्चर इंसर्ट करने के बाद मुझे फॉर्मेट, ये नया टैब ओपन हो गया। अभी फॉर्मेट टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अपने को मिले हैं, तो यहाँ पे पिक्चर स्टाइल ऑप्शन है जहाँ से अपन पिक्चर को अलग अलग स्टाइल फॉर्मेट में देख सकते हैं, किस तरीके से उसको आपको अप्लाई करना चाहते हो। देखो बहुत अट्रैक्टिव स्टाइल से, जैसे डॉक्यूमेंट में जो स्टाइल अपने को सूट हो जाए उसको अपने को अप्लाई करना है। देखो ये रिफ्लेक्शन स्टाइल है फोटो का, तो ये अलग अलग स्टाइल पिक्चर के लिए ले सकते। इसके बाद अगर कुछ उसके अंदर कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना है फोटो के अंदर, तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, उसका चेंज कर सकते। देख बैक साइड में आपको तुरंत फोटो के अंदर इफेक्ट पता चलता है। उसके बाद बाजू में अपने को ऑप्शन है कलर, जिससे फोटो को कलर्स चॉइस कर सकते हैं, डिफरेंस कलर्स में फोटोज़ ले सकते। देखो एक अलग इफेक्ट फोटोज़ में आ गए, तो ऐसे कलर्स चॉइस कर सकते फ़ोटो के अंदर। देखो जो अपना ओरिजिनल फ़ोटो था अभी ये फ़ोटो में कितना डिफरेंस है, तो इसी तरह से अलग अलग कलर चॉइस कर सकते। अपना ओरिजिनल कलर मैं ले लेता हूँ। उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट भी है इसके अंदर, वही फ़ोटो के लिए अलग अलग इफेक्ट्स आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते, जिस तरीके का इफेक्ट अपने को चाहिए वहाँ पे पॉइंटर रखो और ये इफेक्ट का नाम भी वहाँ पे पता चलता है आपको। देखो पेंसिल ग्रे स्केल, पेंसिल स्केच, जैसे स्केच से बना हुआ फोटो रहेगा फोटोग्राफी, तो इसी तरीके से आप उसको आर्टिस्टिक इफेक्ट भी दे सकते। इसके बाद अगर आपको लगता है ये स्टाइल में कुछ चेंजेस करना है तो बाजू में आपका और ऑप्शन है, जिसका पेज का पिक्चर का जो बॉर्डर है उसका थिकनेस, उसका टाइप या उसका कलर भी आप चेंज कर सकते, जो स्टाइल है उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो। तो जैसे शाडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ये तो यहाँ पे आपको रेडीमेड दिया हुआ है, आप उस तरीके से चॉइस करो। लेकिन इसके अंदर भी अगर आपने ये स्टाइल आप अपनाया और इसके अंदर आपको लगता है कि जो बॉर्डर है ब्लैक कलर में और आपको लगता है कि ब्लैक कलर नहीं चाहिए मुझे अलग कलर चाहिए, तो आप उसका भी ऐसे चेंजेस कर सकते हो। तो जो स्टाइल आप अपने चॉइस कर दिया उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह तो बहुत अच्छा फीचर्स है ये वर्ड में जो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसका पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, आपको उसका पोजीशन कैसा चाहिए।
तो यहाँ पे आपको पोजिशन ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे पेज दिखा हुआ दिखाई देता है, और ये पेज के कौन से सेक्शन में आपको पिक्चर इंसर्ट करना है। अब इसका जूम मैं थोड़ा कम कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो ये मेरा पेज है और ये पोजीशन में इसको सेट कर सकता हूँ, टॉप में लेफ्ट, टॉप में सेंटर, टॉप में राइट, ये लेफ्ट में मिडल है, सेंटर में सेंटर, ये राइट में मिडल, ये राइट में बॉटम, राइट में सेंटर और लेफ्ट में डाउन। तो इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको उस पिक्चर्स को कहाँ रखना है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया है पोजीशन। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है वर्ड रैप, जिससे क्या होगा आपका जो पिक्चर्स है उसके आजू बाजू में टेक्स्ट होना ज़रूरी है या ऊपर नीचे चाहिए, तो उस तरह से आप उसको चॉइस कर सकते हैं, या उसके पीछे टेक्स्ट चाहिए या उसके आगे टेक्स्ट चाहिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी अगर मैं टॉप और बॉटम ले लूँगा तो देखो मेरा पिक्चर्स है उसके ऊपर टेक्स्ट रहेगी, नीचे टेक्स्ट रहेगी, साइड में टेक्स्ट नहीं हो सकते। अगर मैं स्क्वायर ऑप्शन लूँगा तो देखो जो पिक्चर्स है उसके आजू बाजू में टेक्स्ट रहेगी और बीच में पिक्चर्स रहेगा, तो उसका जो रैप टेक्स्ट है वो किस तरह से पोजीशन उसको सेट करेंगे उस तरह से वो आ जाएगा। अगर एक के ऊपर दो पिक्चर्स है तो यहाँ से आप उसको फ्रंट बैक भी कर सकते हैं, आगे ले सकते हैं कोई पिक्चर को या कोई पिक्चर को पीछे रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ब्रिंगिंग टू फॉरवर्ड एंड ब्रिंगिंग टू फ्रंट ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। या तो उसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री राइट में, या रोटेट लेफ्ट 90 में, या तो वर्टिकल कर सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। देखो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसमें और एक फीचर आपको दिया है जिसका नाम है क्रॉप। क्रॉप से क्या होगा कि आपको पिक्चर का जितना पोर्शन चाहिए उतना पोर्शन आप रख सकते हैं, बाकी का पोर्शन आप उसको मिटा सकते हैं। देखो पिक्चर्स का मैंने उतना ही पोर्शन रखा, तो ये अपन यूज़ करेंगे उसके लिए क्रॉप ऑप्शन। अगर क्रॉप में अगर शेप यूज़ करते हैं तो उस शेप में वो पिक्चर चला जाएगी। यहाँ पे आपको क्रॉप और उसका जैसे जिस तरीके का आपको शेप चाहिए वैसे आप शेप उसको यूज़ कर सकते हैं, या तो उस साइज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं पिक्चर का साइज़ कितना चाहिए। तो ये सब फीचर्स आपको पिक्चर फॉर्मेट में मिल जाते हैं, तो कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करोगे तो उसके लिए आपको फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है और ये सब चेंजेस उसके अंदर आप कर सकते हैं। अभी मैं ये पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ इंसर्ट। वैसे ऑनलाइन पिक्चर जो आप नेट से डायरेक्टली पिक्चर्स लेंगे तो उसके लिए ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन होता है, तो उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे मैं अभी एक चॉइस कर लेता हूँ, ये डॉग का पिक्चर्स ले लेता हूँ, इसमें से मुझे समझो ये पिक्चर इंसर्ट करना है। देखो आ गया मेरा, तो ये ऑनलाइन पिक्चर जो नेट के ऊपर अवेलेबल है। अभी देखो ये मूव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट उस पर यूज़ करना पड़ेगा जिससे उसको मैं मूव कर सकता हूँ। अगर यहाँ से भी उसको मैं स्टाइल्स वगैरह डिफाइन कर सकता हूँ, ये सब चीज़ इसी तरह से ऑनलाइन पिक्चर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन है शेप, तो ये शेप क्या है, तो अलग अलग तरह की शेप है और इसमें शेप में कैटेगरी है, लाइन है, रेक्टेंगल से, बेसिक शेप से, ब्लॉक एरोज है, फ्लो चार्ट से, स्टार है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई शेप लेना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके आपको ड्रॉ करना है, बस वो शेप आ जाएगा। जैसे शेप आ गया तो वापस आपको एक फॉर्मेट ऑप्शन नया आ जाता है, और इसमें भी आपको शेप का स्टाइल्स आप ले सकते हैं, जैसे आपका शेप का स्टाइल्स लेना चाहते हैं ऐसा शेप का स्टाइल ले सकते हैं। फिर शेप में कलर चेंज करना चाहते हैं, जो कलर्स है वो कलर अगर आपको पसंद नहीं है, ग्रेडियंट में लेना चाहते हैं तो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है दो कलर मिक्स, मोर ग्रेडियंट में जाओगे तो आप अलग अलग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑरेंज है
तो आपने येलो ले लिया और यहाँ पे आप उसको चॉइस कर सकते हैं। दूसरा ऑरेंज की जगह पे आप दूसरा कलर चॉइस कर सकते हैं। देखो इसी तरह से भी आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। या आप ग्रेडियंट नहीं लेना चाहते, टेक्सचर लेना चाहते हो तो आप टेक्सचर भी ले सकते हैं इसी तरह से। उसका आउटलाइन जो है, उसका आउटलाइन का थिकनेस आपको कितना चाहिए वो चॉइस कर सकते हैं और वो किस तरह से चाहिए। शेप का इफेक्ट आप कैसा चाहिए, शाडो में चाहिए, रिफ्लेक्शन में चाहिए, हर एक चीज़ आपको ये पिक्चर्स में, शेप में, ये सब चीज़ें मिलती रहेगी। अब रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन आ जाएगा, अगर आपको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो आपको रिफ्लेक्शन में जाके नो रिफ्लेक्शन ऑप्शन लेना पड़ेगा। अभी इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर सकूं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके एडिट टेक्स्ट ऑप्शन यूज करना, ऐड टेक्स्ट। जैसे मैंने लिखा करियर कंप्यूटर, अभी इसको सिलेक्ट करके जो भी आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो ये यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप साइज चेंज कर सकते हैं, और इसको आपको स्टाइल अपनाना है टेक्स्ट स्टाइल, तो यहाँ से वर्डर स्टाइल है। देखो आप इस तरह का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए, और ये स्टाइल में कुछ बदलाव करना चाहते तो यहाँ से इसका बदलाव या चेंजेस कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा ग्लो होना चाहिए। तो इसी तरह उसको चेंजेस कर पा सकते हैं आप, कहाँ से, वर्ड आर टेक्सटाइल्स। ये किस में, फॉर्मेट में। अगर आपका वापस आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन, किस तरह का डायरेक्शन चाहिए, जैसे वापस वही है आपका पोजीशन कहाँ रखना है शेप का, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर एक के ऊपर एक दो शेप है, इसका मैं साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, अभी समझो और एक मैं शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ तो शेप में जाके, तो यहाँ पे मैं जाके और एक शेप ले लेता हूँ, चलो मैं दूसरा शेप ले लेता हूँ, हेक्सागन लेता हूँ। अभी मेरे पास दो शेप हो गए, अभी एक शेप तो अभी दो शेप है, अभी ये जो ग्रीन वाला शेप्स है ये आगे, अभी इसको मुझे इसके पीछे डालना है, तो मैं बिंग टू फॉरवर्ड करूँ, सॉरी सेंड टू बैक करूँगा, यहाँ पे सेंड टू बैक, या तो सेंड टू बैकवर्ड मतलब एक स्टेप पीछे या तो डायरेक्टली पीछे, अभी वापस आगे लाना है तो मुझे फॉरवर्ड करूँगा। तो ऐसे में एक के ऊपर एक दो शेप है या दो पिक्चर्स है तो आगे पीछे करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसमें अलाइन ऑप्शन भी है, तो अलाइन ऑप्शन का भी मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। समझो अगर दो शेप ले लेता हूँ मैं, चलो इंसर्ट में जाके यहाँ पे एक शेप मैंने इंसर्ट कर दिया, चलो इसका कलर ले लेता हूँ ब्लू, और इंसर्ट में जाके दूसरा एक शेप ले लेता हूँ मैं, ये दूसरा ले लिया, और इसका कलर लेता हूँ ऑरेंज। अभी दोनों को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन दबा के दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मुझे अलाइन ऑप्शन है, अगर अभी मैं अलाइन लेफ्ट तो लेफ्ट साइड में, लेकिन किस में करना है, टॉप में करना है, मिडल करना है, बॉटम करना है, मिडल करना है। अभी मैं अलाइन सेंटर और ये भी मिडल करता हूँ तो देखो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। तो मुझे डिसाइड करना है मुझे कहाँ चाहिए, बॉटम में चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए, तो इसके लिए ये ऑप्शन मेरे पास, राइट में चाहिए तो राइट। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप और लेफ्ट,
तो इसी तरह से मैं उसको अलाइन कर सकता हूँ। और ग्रुप एक ऑप्शन है जिससे दोनों शेप मैंने एक साथ सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया अभी, तो देखो दोनों एक साथ मूव हो जाएंगे, दोनों का साइज सेम कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर वापस मुझे अलग करना है तो उसको मुझे अनग्रुप करना पड़ेगा, तो दोनों अलग अलग हो गए, वापस मैं दोनों को अलग अलग मूव कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है दोनों पिक्चर को साथ में मूव करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको ग्रुप बनाएंगे तो ईजी हो जाता है, दोनों साथ में मूव हो जाते हैं। तो इसी तरह से आज अपन ने देखा है पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है, फिर उसका फॉर्मेट कैसे बदलना है, या तो शेप कैसे इंसर्ट करना है तो उसका फॉर्मेट भी कैसे बदलना है, तो ये सब चीज़ें आज अपन ने देखी। अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ईजी आ जाएगा, एकदम सिंपल चीज़ है। तो आज के लिए काफ़ी है, शुक्रिया, धन्यवाद।